जय साथियों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के जीजीडी शो में अजीत कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सनलिंकर मिशन के प्रण नंबर 2 के बारे में। इसमें बताते हैं कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक के खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी एक ही रब समारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार है करना, चंगे चाहे मंदे हैं, एक प्रभु की जोत सभी में, कौन बुराया चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में बन जाती खुद गंगा है, सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे, कहे अवतारे दूजा प्रण है ना व्रण जात जत लाओगे। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के द्वारा रचित अवतार वाणी हिंदी का ये भाग जो दूसरे प्रण के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, ये पद नंबर 9 उसका खै भाग है। इसमें बता रहे हैं कि परम पिता परमात्मा ने ये इंसान तुझे इंसान बना करके भेजा है, तू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन जो मान करके बैठा है, इस अहंकार को त्याग दे और परमात्मा ने तुम्हें इंसान बना करके भेजा, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो, इंसान बन करके इंसानियत के रास्ते पर चलो और परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने काम को अपने कर्मयोग की खुशबू से अपने जीवन को महकाते चलो। ये मानवीय सद्भावनाएं आपके जीवन को ऊंचा बनाएंगी। संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने युगो युगांतर से एक ही बात बताई है कि हे इंसान, तू अपने जीवन के अंदर इंसान बनकर रह ले। जो भी जात का अहंकार कर रहा है कि मैं बड़े कुल में जन्म लेकर के आया हूँ, इंसान अपने कर्म से बड़ा बनेगा, इंसानियत से बड़ा बनेगा और तूने अपने कर्म को बेहतर बनाना है, जो कर्म है वही तेरी पहचान बनेगी। आज हम इन्हीं बातों को लेकर के अपने जीवन को जीना शुरू करें ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने और ये परमात्मा ने जो हमें 84 लाख योनियों के पश्चात एक मानव देह प्रदान की है, जो सबसे बेशकीमती अनमोल रत्न ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमने इस जीवन के महत्व को समझते हुए मानव बनकर के रहना है, मानवता को अपनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हमें ये समझना है कि संत निरंकारी मिशन का ये भाग नंबर 2 प्रण नंबर 2 क्या बता रहा है। और अगर हम देखें तो निरंकारी मिशन का ये दूसरा प्रण बहुत ही ज्ञानवर्धक है और समाज को जोड़ने वाला है। तो आज हम इतने ही बातों के साथ में समझेंगे कि हम इंसान हैं, इंसान बनकर के रहेंगे, धर्म जाति मजहब के भेद को दूर करते हुए हम अपने आप को इंसानी जज्बों को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हमें यही संदेश अवतार वाणी के इस उल्लेख किया हुआ प्राप्त हो रहा है कि हम इंसान बनकर के रहें। हाँ, यदि पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ में इसको साझा कीजिए। जय हिंद साथियों।